नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका। आज खरबूजे की सलाद बनाएंगे। तो ये देखिए, खरबूजा है मस्कमेलन, और ये खीरा है, नींबू, दो टमाटर, पुदीना की पत्तियाँ, हरी धनिया, काला नमक, और ये काली मिर्च, पीसी काली मिर्च। और क्या क्या चाहिए देखिए, एक बोल, सर्विंग बोल, ये चलाने के लिए एक चाकू, एक पिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खरबूजे को छील, ये खीरे को छील लेते हैं। आप इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं। खीरे की जगह ककड़ी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो आप वो डाल लीजिए घर में, जो भी हो। ये देखिए, ऊपर से ज़्यादा हिस्सा काट दिया है, क्योंकि ये कड़वा होता। थोड़ा सा आप चखना चाहें तो ऊपर का एक स्लाइस निकाल के चख लें। और इसको एक समान टुकड़े करेंगे। दूसरा हिस्सा भी काट लेंगे। अब खरबूजा काटते हैं। खरबूजे कुछ इस तरीके से, जैसे छीला है इस तरीके से आप छीलेंगे तो बहुत आसानी से छिल भी जाता है, और काटने में भी बहुत आसानी रहती है अगर आप एक बार इस तरीके से छीलना सीख जाएंगे। इसीलिए पूरा आपको छीलते हुए दिखाया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना लगे, और बहुत अच्छे से पिलर से इस तरीके से खरबूजा छिल जाता है। मेरा मकसद आपको खरबूजा कैसे इस छीलें जिसमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, तो ये भी सिखाना था। देखिए कितनी आराम से, फटाफट, और काटने में भी देखिएगा बढ़िया अच्छे से कटेगा। कैसे भी पिलर ले सकते हैं आप, चाकू से ही काट लें, छील लें इस तरीके से, लेकिन ऊपर ऊपर पहले छील लें, पहले इसके काटे नहीं, टुकड़े ना करें पहले। अब देखिए छिल गया, अब इसके दोनों सिरे ऊपर नीचे के। अब दूसरी तरफ का भी काट लेंगे। इस तरीके से आप इसको छील के रख सकते हैं, और जब खाना हो तो बस तुरंत काट लीजिए, छील के ऐसे ढक के रख दीजिए। अब देखिए इसके, ये देखिए इस तरीके से टुकड़े करेंगे। देखिए कितना बढ़िया निकल रहा है, कि बहुत साफ बिल्कुल। तो इस तरीके से जितने बड़े खीरे के टुकड़े किए थे उतने बड़े इसके भी कर लेंगे। आप देखिएगा कितनी आसानी से खरबूजा कट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ निकल रहा है। आधा खरबूजा इस्तेमाल करेंगे और आधा अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। खरबूजा दोस्तों गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, उसमें बहुत पानी होता है,
तरबूज, खरबूजा और टमाटर का बीज से काटने के बाद इस तरीके से उसका अंदर का बीज रस निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तब ये सूखा सूखा हो जाएगा, और अगर ये बीज और अंदर का गूदा और रस डालेंगे तो गीला गीला छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सलाद काटने का भी दोस्तों एक तरीका होता है। अब ये देखिए, नींबू का आधा नींबू लेना है और आधा नहीं लेना, तो आधे नींबू का रस डालेंगे, बाकी आप जितना खट्टा खाते हो आधा नींबू का रस डाल लें। अब इसमें ये काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और पिसी काली मिर्च मैंने दो बार में आधा चम्मच डाली है, बाकी आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप सभी को मिला लेंगे अच्छे से। नमक तभी मिलाएं जब आप खाने चलें, अगर तुरंत नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद खाना है, तो नमक बिल्कुल भी ना मिलाएं। अब इसमें हरी धनिया डाल देंगे, पुदीना, मिंट लीव्स, आप काट के भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी तोड़ के भी ऐसे डाल सकते हैं। चलिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और बताइए कैसा बना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में किसी नई चीज़ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।